always nice to shoot scenes like this. You know, it's a nice environment created by Bijoy. And of course, wonderfully written by Vinod himself. Yes, written by me. Written I want to scroll, scroll going at the TV mein niche lagana. Entire interview for 24 hours. Sir, is film mein jo kuch hai na, sab purposely kiya hai. Sab purposefully. Usme koi without purpose kuch nahi hai. गाना भी हमने पर्पस के साथ ही लिखा है. देखिए, मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे. मैं तो ऐसे भर रहा था. और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाएगा. लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया. ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था. इफ़ यू रिमेम्बर, एक गाना बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो धुन थी. हाँ, that's right. वो लक्ष्मीकांत जी ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा. तो ये हमारा 1 2 3 है. जो हम सब इस बात के कायल भी हैं, तभी मेरे हिसाब से अगर ऑल टाइम सिंगर्स में चुना जाएगा तो बेस्ट में तो उसका शुमार होगा. तो इन दैट सेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल मींस अ लॉट टू मी. थैंक यू. बड़ी खूबसूरत गाने हैं. तो तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना जीना नहीं मरना नहीं. तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन. Thank you.